देखिए, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने पॉलिटेक्निक कोर्स में एडमिशन लिया है और अपने लिए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ब्रांच को चूज़ किया है, तो आज की ये वीडियो स्टूडेंट्स आपके लिए है, क्योंकि आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपसे बात करेंगे पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के कम्प्लीट सिलेबस के बारे में, कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वाले बच्चों को कौन कौन सा सब्जेक्ट्स पढ़ना है, उस सब्जेक्ट्स के अंतर्गत सिलेबस क्या क्या है और उस सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर कितने मार्क्स का पूछा जाता है। सो आइए स्टूडेंट्स, अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और सारी चीज़ों को बिल्कुल तसल्ली से जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आपको इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में कितने सब्जेक्ट्स का पेपर देना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वाले बच्चों को पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर में 6 सब्जेक्ट्स का पेपर देना है। इससे पहले सभी स्टूडेंट्स ये समझें कि जो इंजीनियरिंग कोर्सेज होते हैं उसमें आपका एग्ज़ाम सेमेस्टर वाइज होता है। सेमेस्टर का मतलब कि प्रत्येक 6 महीने पे आपका एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, जिसको हम फर्स्ट मतलब सेमेस्टर एग्ज़ाम कहेंगे। और अगर आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिए हैं तो फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट्स आपको 2 सेमेस्टर एग्ज़ाम देने पड़ते हैं, एक तो फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम और दूसरा सेकंड सेमेस्टर एग्ज़ाम। तो आज हम फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम के सिलेबस को जान रहे हैं। तो फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस में आपको टोटल 6 सब्जेक्ट का पेपर देना पड़ता है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वाले बच्चों को, जिसमें सबसे पहला सब्जेक्ट है कम्युनिकेशन स्किल का। इससे 50 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर बनता है और इस पेपर में आपको कम से कम 17 नंबर लाने हैं, क्योंकि 17 नंबर पासिंग मार्क्स का होता है। उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट है अप्लाइड मैथमेटिक्स का, इसका भी क्वेश्चन पेपर 50 नंबर का होता है और इसके लिए पासिंग मार्क्स 17 नंबर निर्धारित किया गया है। इसके बाद अप्लाइड फिजिक्स के बारे में बात करते हैं, तो इसका भी क्वेश्चन पेपर 50 मार्क्स का होता है और इसमें पासिंग मार्क्स 17 नंबर होता है। उसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो अप्लाइड फिजिक्स और अप्लाइड केमिस्ट्री की बात करते हैं, तो दोनों का पेपर जो है स्टूडेंट्स वो आपका 50 नंबर का पूछा जाता है और इन दोनों पेपर्स को क्वालिफाई करने के लिए आपको 17 नंबर लाने पड़ते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग की, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग स्टूडेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आज से पहले शायद ही आपने कभी पढ़ा होगा। अगर आप ITI किए हैं तो पढ़े होंगे, वरना इसके पहले आपने नहीं पढ़ा होगा। तो ये एक नया सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग फील्ड के लिए, थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन 1 या 2 महीने आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे इसकी चीज़ें आपको समझ आने लगेंगी और आप इस सब्जेक्ट में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। अगर हम बात करें इंजीनियरिंग ड्राइंग की, तो इसका पेपर 60 नंबर का पूछा जाता है और इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स 20 लाने होते हैं, यानी अगर आप 20 नंबर लाए तो आप इस सब्जेक्ट में पास कहे जाएंगे, इससे कम नंबर आने पर आप इस सब्जेक्ट में फेल कहे जाएंगे या आपकी इसमें बैक लगी हुई मानी जाएगी। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वाले बच्चों को एक स्पेशल सब्जेक्ट भी पढ़ना है जिसका नाम है EMM, यानी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड मटेरियल्स, ठीक है। ये सब्जेक्ट्स का पेपर भी आपको 50 नंबर का पूछा जाता है और इसके लिए 17 नंबर निर्धारित है। और ये जो लास्ट में जनरल वर्क्स ऑफ प्रैक्टिस आप देख रहे हैं, इसका आपको सिर्फ प्रैक्टिकल देना है, जिसके लिए आपको जॉब बनाना पड़ता है वर्कशॉप में और एग्जामिनर उसी जॉब के बारे में आपसे वाइवा लेते हैं और आपको नंबर देते हैं। तो इसका आपको पेपर नहीं देना है, ये पॉइंट आप याद रखेंगे। बाकी जितने भी सब्जेक्ट के ऊपर मैंने ग्रीन टिक लगाया है, इन सभी सब्जेक्ट का आपको पेपर देना है, यानी ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के बच्चों को 6 सब्जेक्ट का पेपर देना है फर्स्ट सेमेस्टर में। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आज की ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको इंजीनियरिंग के बारे में कुछ भी जानना है कि JEE कैसे बने या लोको पायलट बनने के लिए कौन सा ब्रांच लेना पड़ता है या इंजीनियरिंग का आगे का क्या स्कोप है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इंजीनियर बनने की राह में आपका सबसे बड़ा दोस्त, आपका सबसे बड़ा साथी एग्ज़ाम वाला भैया साबित होने वाला है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल स्टूडेंट्स, टेक केयर।